हैं इन दो एसएसडीज के बारे में जो आती है नीटेक एक ब्रांड है और एक है ब्लिट्ज़वुल्फ। ये दोनों बैंगलोर से आई है मेरे पास, तो मैं इसे कंपेयर करूंगा कि जो नॉर्मल हमारी जो पहले से आती है एसएसडीज जैसे कॉर्सेयर की है, सैमसंग की है, सीगेट है की है, उनके साथ ये कंपैरिजन में कैसी आई है, बात करते हैं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये बैंगलोर वाली एसएसडीज हैं ओवरऑल तो हम बात करेंगे ही करेंगे, वैसे इन ब्रांड्स के बारे में आप बात कर लो। जैसे ये नीटेक एक ब्रांड है और एक ब्लिट्ज़वुल्फ है, ये ब्रांड है तो बहुत बड़े। जैसे ब्लिट्ज़वुल्फ की आप बात करो तो ये चाइना की एक तरह से सैमसंग का आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे सैमसंग नहीं है हर चीज में कूदना है कि पैनल भी मैं बनाऊंगा, मैं एसएसडी बनाऊंगा, मैं फोन भी बनाऊंगा, मैं सब कुछ बना लूंगा, ऐसे ही ये कुछ ब्रांड है ब्लिट्ज़वुल्फ। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि ये डायरेक्ट यूएसए के हिसाब से बनाते हैं। आप समझ सकते हो कि अगर यूएसए के हिसाब से बना रहे हैं तो क्वालिटी बहुत हाई रखनी पड़ेगी, वरना वहां तो कुछ भी नहीं बिकता, बाकी सब जगह इंडिया चाइना में तो सब कुछ बिकता है। तो ये उस हिसाब से बताते हैं, मतलब इस आप ये समझो अमेरिका को ध्यान में रख के, तो ये है कि जो वहां का सॉकेट चलता है वो उसी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कोई एडेप्टर भी नहीं बना रहे हैं कि कहीं वो चीज इंडिया में भी चल जाए, ना वो यूएसए में ही चलेगी, उस हिसाब से बनी हुई है। तो ब्लिट्ज़वुल्फ वगैरह ब्रांड भी अच्छे हैं, नीटेक भी ठीक है, वहां पे चलता है, ये एसएसडी का ब्रांड है चाइना का। प्रॉब्लम एक ये है कि चलो चाइना के हिसाब से तो आप हो, चाइना जैसे अपने आप में एक वर्ल्ड ही है, कंट्री नहीं है, वर्ल्ड है वो, उसके हिसाब से तो आप हो, लेकिन उसके बाहर कैसा पड़ता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो परफॉर्मेंस में तो ये बराबर इसमें टक्कर दे रहा है। आप देखो जानते हो नॉर्मल है, अब ये जो साटा एसएसडीज हैं वो एक तरह से देखा जाए तो साटा की जो लिमिट है अपनी वो सारी सेचुरेट हो चुकी है, तो उसमें वो सभी बराबर बराबर ही करीब करीब परफॉर्म करती हैं, कोई बहुत बड़े अंतर नहीं है। जैसे 550 मेगाबाइट पर सेकंड की आपको मिल जाती है सिक्वेशन रीड एंड राइट स्पीड, आराम से मिल जाती हैं, जो इन पे मिलती थी वो इस पे मिल जाती हैं। अब पता है अंतर कहाँ आता है, अंतर आता है कि ये कितनी ड्यूरेशन के लिए है, साथ में ये भी हो कि इनकी प्राइसेस कितनी कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात हो रही है परफॉर्मेंस तो आसपास ही पड़ती है, जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आप सैमसंग वाली बात कर लो, जैसे ये भी 3D TLC वाली है, कुछ सस्ती SSDs नहीं है, इसमें भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, कंट्रोलर सब सही है। आप सैमसंग वगैरह के मुकाबले में बात कर लो तो क्या ये उनके मुकाबले में 500 रुपए सस्ती हो? जैसे मान लो आप बहुत सस्ता, जैसे ये 120 GB की एक मेरे पास है और ये 250 GB की मेरे पास है, तो आप जैसे 120 GB, जैसे मैं आपसे कहता ही रहता हूँ कि आप कोशिश करो 250 GB वाली लो, 120 GB वाली थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है, लोग इसलिए लेते हैं, दैट्स इट, कोई और रीजन नहीं है। तो इस पे भी अगर आपके 500-300 रुपए बच जाएं तो आप कंसिडर कर लो। अच्छा ओवरऑल मैं प्रॉब्लम की बात बताऊँ आपको, वो सब तो ठीक है, एक तो मैं मतलब कुछ अलग ब्रांड में जा रहा हूँ, हम पे ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कॉर्सेयर है, सीगेट है, अपनी WD है, और अपना किंगस्टन है, सैमसंग है, मार तमाम और कई और ब्रांड्स हैं जिनकी SSDs आती हैं, तो हम पे कमी तो है नहीं, हम इन पे जाएं क्यों? और प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं पहले जाएं क्या क्यों, प्रॉब्लम एक ये भी है कि जैसे बाकी तो आप पे 3-4 दिन में आ जाएंगी, ये कम से कम आपको 30 दिन लेंगी वहां से चाइना से आने में, ये मैंने नॉर्मल देखा है। बाकी कस्टम ड्यूटी तो नहीं लगती, मैं कस्टम ड्यूटी का भी आपको बता दूं उस वीडियो में, कई लोग और चीज पूछ चुके हैं कि आप ऐसा समझो कि अगर मैंने देखा है कि 4-5 हज़ार के ऊपर की चीज होगी ना, 6 हज़ार की होगी तो उस पर तो पक्का कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, मैंने देखा है नॉर्मल। उसके नीचे होगी ना 2-2.5-3-4 हज़ार की चीज, उस पर नहीं लगी, और बहुत सामान आ चुका है मेरे पे, कई सालों से आ रहा है और ये मेरा ट्रेंड देख लिया है। तो अगर आप ये मंगाते हो तो कस्टम ड्यूटी तो नहीं लगनी, लेकिन आप मंगाओगे सिर्फ तभी के जब ये सस्ती पड़े। तो ओवरऑल अगर आपको अंतर देखना हो ना इन SSDs के बीच में, तो सिर्फ पैसों की बात है और कुछ नहीं है, आप इनकी तरफ तभी देखोगे जब पैसों में कम हो, तो आप वो पैसे खुद चेक कर लेना। बाकी अगर मैं आपको SSD के बारे में बताऊं तो मुझे ये वाली बड़ी प्यारी लगी, सही बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस में तो चलो आपको मैंने बता ही दिया कि नॉर्मली है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देखने में बड़ी प्यारी है। आप ये समझो कि एक तो एल्यूमिनियम मेटेलिक फिनिश है वो तो आ ही रही है, थोड़ा सा शाइन भी मार रही है, दूसरा इसका ब्लू कलर गजब है। मैंने ज्यादातर आप जानते हैं ये ब्लैक ही आती है, मैं आपको और भी दिखाता हुआ आ रहा हूँ कि ब्लैक 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 ही आती है। मुझे इसका ब्लू कलर सही में बहुत रिफ्रेशिंग लगा, बहुत बढ़िया लगा। ओवरऑल इन SSDs के बारे में अगर आपको और जानना हो तो मैं आपको लिंक दिए दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप प्राइस वगैरह इनकी चेक कर लो। दूसरा मैंने टेस्ट वेस्ट करी, मुझे तो ठीक ही लगी, बात पैसों की है, जब आप लेने जा रहे हो तो एक बार चेक कर लो, अंतर बड़े हो पैसों में तो आप इनकी तरफ देखो, वरना फिर और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनकी कमी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया में चैनल में, मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।